अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप सब दोस्तों के साथ एक नई वीडियो में हाज़िर हूँ। दोस्तों आज मेरे पास एक सैमसंग गैलेक्सी J4 उसका FRP बाईपास करना है, तो दोस्तों आज हम उसका FRP बाईपास करेंगे और आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपने पूरी देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना, तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। उससे पहले मैं आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप सब दोस्तों के साथ पहुंच सके। तो दोस्तों चलते हैं मोबाइल की तरफ। तो ये हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी J4 है, तो उसका हम पहले से वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके मैंने पहले से इसमें वाईफाई कनेक्ट किया हुआ है। तो अब हम इसको इस तरह कोई भी जो इसमें FRP है वो इसमें कभी कोई भी गूगल अकाउंट या वेबसाइट नहीं कर रहा वो FRP लगाए, तो हम सबसे पहले इसका जो है वो टाक बैंड ओपन कर लेंगे। टाक बैंड ओपन करने के लिए आपने इसको सेम टाइम 3 दफ़ा जो है वो होम बटन को क्लिक करना है। तो देख सकते हैं और टाक बैंड इसका जो ऑन हो गया, तो अब इसको डिस्प्ले पे एल की शक्ल से इसको एक कैसे करेंगे, तो आपके सामने कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। उसमें आपने टॉक बैक सेटिंग का ऑप्शन जो है डबल क्लिक करना है तो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने दो फिंगर के साथ इसको एक्सप्लोरर बाय टच को जो है एक दफ़ा क्लिक करके, फिर आपने दो दफ़ा क्लिक करके, फिर ओके पे एक दफ़ा क्लिक करके, फिर आपने दो दफ़ा इस पर क्लिक करना है। तो ये टॉक बैक जो है वो आपका आरजी तौर पे ऑफ हो जाएगा। तो उसके बाद आपने हेल्प एंड फीडबैक पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का मेन्यू खुल जाएगा। आपने फिर इसके बाद अबाउट स्विच एक्सेस फॉर एंड्रॉइड पे क्लिक करना है, तो आपके सामने एक और पेज आ जाएगा। उसके बाद आपने इस पर क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपने इस पर दोबारा एक दफ़ा फिर से क्लिक करना है। ऊपर आपको 3 डॉट्स जो नज़र आ रहे हैं उन पे क्लिक करना है, तो आपने वॉच लेटर पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये इस तरह का मेन्यू आ जाएगा, जो कि आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये तो ये देख सकते हैं कि ये जो वो YouTube अपडेट का ऑप्शन मांग रहा है, तो हम इसको बैक करेंगे। बैक करके हम इसको दोबारा बैक करके गेट स्टार्टेड विद वाइड एक्सेस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम चेंज गूगल ऐप सेटिंग पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम जनरल पे क्लिक करेंगे। Thank you.
ठीक ठीक क्लिक करने के बाद हम चेंज ऐप सेटिंग पे क्लिक करेंगे। तो हम इसको दोबारा से हेल्प एंड फीडबैक ओपन करेंगे, बैक करेंगे। यहाँ पे आपने आपने एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करना है। ऊपर टैब इस यूज टू एक्सेसिबिलिटी पे जाना है। एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट्स पे जाना है। मैन्युफैक्चरिंग पे जाना है। पे क्लिक करना है। अदर एंड्रॉइड डिवाइस पे क्लिक करना है। टू एफ मूव पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करना है और गो टू एप्लीकेशन सेटिंग पे। तो आपके सामने ये देख सकते हैं कि ये क्रोम ओपन हो जाएगा। तो अब मैं इसमें सबसे पहले क्विक शॉट जो है वो डाउनलोड कर लेता हूँ।
तो मैं ऊपर सर्च बार में सैम लॉक निक रीडर इस पर क्लिक करने के बाद मैं ये नीचे रिमोट गूगल एंड्रॉइड 7 पे क्लिक करूँगा। मेरे सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा, आपने इसको डाउनलोड कर लेना। तो हमारा डाउनलोड जो है वो होना शुरू हो गया, उसके बाद हम बैक करेंगे। उसके बाद दोबारा से हम टैप करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक वो पेज ओपन हो गया, इसको भी हम डाउनलोड कर लेंगे। तो ये भी हमारा डाउनलोड हो रहा है। सबसे पहले हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं कि हमारा ये इंस्टॉल हो रहा है। फिर उसके बाद हम पिकशॉट को इंस्टॉल करेंगे। तो इसको हम ओपन कर लेंगे। उसके बाद हम इस एप्लीकेशन में जाके सेटिंग को ओपन कर लेंगे। अदर सेटिंग में जाकर पहले से डिसेबल है,
लोगों को प्ले सर्विस को डिसेबल करेंगे। इसके बाद क्लाउड्स एंड अकाउंट्स में जाएंगे, अकाउंट ऐड करेंगे। कोई भी आप जो है वो अकाउंट ऐड कर दें। मैंने इसमें पासवर्ड और आईडी ऐड कर दिए, तो ये देख सकते हैं इसमें आईडी ओपन हो गई है। मैं इसको बैक करूँगा, बैक करने के बाद मैं सिक्योरिटी में जाऊँगा। अदर सिक्योरिटी में जाके डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर में जाके इसको एक्टिवेट कर दूँगा। उसके बाद ऐप्स पे जाके गूगल पे सर्विस को एनेबल कर दूंगा। और मोबाइल को मैं एक दफ़ा से रीसेट कर लूँगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ऐड अकाउंट हो गए और इसका जो FRP बाईपास था वो हमने कर लिया है। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा सैमसंग गैलेक्सी J4 का FRP बाईपास वो हो गया है।